अरे हाँ, वो तो ऐसा है। अरे तुम दोनों जाग गई? हाँ, हम तो आधे घंटे पहले ही जाग गए थे। हाँ, वो कल काम हो गया था ना, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक सोई। चलो अब मैं जाके ना बाकी का काम कर लेती हूँ। अरे अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनीता, वो विदेशी लड़की कहाँ पे गई? अरे माँ जी, वो तो प्रिया के कमरे में है, वहीं पे बैठी है। अच्छा, ठीक है, मैं भी ऐसे बच्चे बात करके आती हूँ। अरे हाँ बेटा, तेरे को जैसे कि पता ही है और कल शादी है, इसलिए तू भी मेरा मुंह पे फेसियल कर दे ताकि मैं भी सुंदर लगूँ। ओहो, कल तू मेरे बारे में क्या क्या कह रही थी, और आज से मेरे से फेशियल करवाना है? आज तो मज़ा चखाना ही पड़ेगा। अरे हाँ, दादी जी, कर दूंगी मैं आपका फेशियल। हाँ ठीक है बेटा, आ जा। हाँ आप जाइए, मैं आती हूँ। ठीक है, आ जा। हाँ तो प्रिया तुम बैठो और मैं अभी उनका फेशियल करके आती हूँ। ठीक है। अरे अरे आप पहले से यहाँ पे बैठी है, ये लीजिए आपका एकदम बढ़िया वाला फेशियल करूंगी मैं। एकदम हीरे के जैसे चमका दूंगी मैं आपको। आप तो बड़ी सुंदर लग रही हैं। जल गया सुनीता, सुनीता आ, क्या जल गया, जल गया। क्या हुआ माँ जी? अरे तेरे इस विदेशी लड़की ने देख मेरे मुंह पर क्या लगा दिया, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। ये तो कल इन्होंने मुझे कितना कुछ बोला था ना, इसलिए मेरे से मजा चुकाया है। और वैसे भी सुंदर दिखने के लिए थोड़ी बहुत दर्द तो सहन करना ही पड़ेगा ना, ये थोड़ी देर में सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, चलो अब जाकर तैयार हो जाओ सारे। अरे वाह, इस फेशियल से तो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब लोग शादी में दुल्हन को छोड़कर मुझे ही देखेंगे। अरे वाह, अच्छी लग रही हूँ मैं तो एकदम। चलो चलो, अब तो सब नहा लिए, अब मैं जाके बाकी की तैयारियां कर लेती हूँ। अरे वाह, चाय तो बड़ी अच्छी है, लेकिन तो विदेशी लड़की नहीं दिख रही, कहाँ पे गई? ओहो लड़की, मेरी टांग तोड़ के कहाँ चली गई थी? ओहो दादी, मैं अपने बालों को स्ट्रेटन करवा के देंगी, ये देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे। पता नहीं अपने बालों का क्या क्या बनवाती रहती हैं ये लड़कियां भी। मैं तो चलती हूँ यहाँ से, फिर मेरी टांग तोड़ देगी वरना ये। ओहो, मैं इनके बात तो करना ही बेकार है, मैं जाके मैं प्रिया के पास चली जाती हूँ। अरे अरे प्रिया, तुम ये क्या कर रही हो? मैं तो ज्वेलरी देख रही हूँ कि मैं कौन सी पहनूँ। चलती हूँ, मुझे बाकी सारे काम भी करने, तुम जब तक ज्वेलरी डिसाइड कर लो। कि बाय। अरे हाँ, भैया इसे उधर लगाइए। अरे नहीं, इसे थोड़ा नीचे लगाइए। हाँ, यहाँ पे सही है, ढेर सारे फूल लगा दो, सुंदर लगना चाहिए स्टेज तो एकदम। अगर फूल कम पड़ रहे तो मुझे बता दीजिए, मैं और लगवा ला के दे दूंगी। स्टेज के नीचे भी थोड़े फूल लगाइए, सुंदर लगना चाहिए एकदम। नहीं, ये गुलाब वाले लगाइए, गेंदे की मत लगाइए, यहाँ पे तो गुलाब वाले ही लगाइए। जाकर देखती हूँ कि हलवाई भी खाना सही से बना रहे हैं नहीं। हाँ भैया, पनीर की सब्जी में पनीर ज़्यादा डाल देना। हाँ ठीक है ठीक है, और जो चाट वगैरह होंगी ना, वो अच्छे से बनाना, टेस्टी होनी चाहिए एकदम। ठीक है भैया, आप बनाइए, जब तक मैं बाकी काम देख कर आती हूँ। हेलो, हाँ भैया, वो शादी के स्टेज के लिए सोफा जल्दी से ले आइए। हाँ तो वो जल्दी से ले आइए, और साथ में कुछ और फूल भी ले आना आप। ठीक है भैया, अब जाकर मैं कुछ थाली वाली वगैरह इन सब में कुछ सब कुछ काम कर लेती हूँ। मैडम, हाँ बोलो, है क्या हुआ? ये फूल कहाँ पे लगाने हैं? अरे ये फूल, अरे अरे दीदी, आप इन्हें बता के आ जाइए, फूल कहाँ पे लगाने हैं, मेरे को और भी बाकी के काम करने हैं। अरे हाँ, शाह, मैं भी बता के आती हूँ। चलो, वरमाला तो आ गई है।